हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन। रेस्पिरेटरी मेडिसिन इज आल्सो नोन एज पल्मोनरी मेडिसिन और टीबी एंड चेस्ट। सो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में आपके ऑप्शंस बनते हैं, आज हम बेसिकली उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो अगर आज से पहले की बात करें तो हमने रेडियो डायग्नोसिस के ऑप्शंस की बात की कि ऑल ओवर इंडिया अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपके ऑप्शंस कहाँ कहाँ बनते हैं। हमने मेडिसिन की बात की, हमने पीडिया की बात की, हमने डर्मेटोलॉजी की भी बात की और आज रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सभी स्टूडेंट मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस या फिर डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड अपने ऑप्शंस को जानना चाहते हैं तो एक तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करें, और एक चीज़ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस कौन कौन से कॉलेजेस में आ सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से स्टेट की फॉर्म फिलअप करनी चाहिए और कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से कॉलेजेस आ सकते हैं, उनकी फीस कितनी है, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट करके चेक कर सकते हो। आते हैं आज के टॉपिक पे, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे, फिर हम डीएनबी की बात करेंगे, फिर हम एनबीईएमएस डिप्लोमा की बात करेंगे एंड देन हम आएंगे प्राइवेट कॉलेजेस, लो फी स्ट्रक्चर वाले जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे की अगर बात करें तो जब भी हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, चाहे वो डीएनबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या फिर ऑल इंडिया कोटे में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, उनमें कैटेगरी का कंसिड्रेशन होता है। दैट मीन्स कि कैटेगरी वाइज हमें चीज़ों को देखनी होती है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक अगर अंडर 11,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू रेस्पिरेटरी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिल सकती है। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अंडर 14,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकती है। सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंकिंग अंडर 13,000 आती है तो आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल सकती है। सिमिलरली अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंकिंग ऑल इंडिया रैंकिंग अंडर 30,000 है तो देयर आर चांसेस कि आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन ऑल इंडिया कोटे से मिल जानी चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सिमिलरली अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंकिंग ऑल इंडिया रैंकिंग अंडर 50,000 है देन देयर आर डिसेंट चांसेस दैट यू शुड गेट एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थ्रू ऑल इंडिया 50% फीस, राइट। ये ऑल इंडिया कोटे की बात हुई। अब आते हैं डीएनबी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, डीएनबी कोर्सेस की बात करते हैं। डीएनबी में भी कुछ 10% 12% हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट हैं, जिनमें कैटेगरी कंसीडर होती है। रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर टोटली प्राइवेट जिनपे कैटेगरी कंसीडर नहीं होती है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इन केस आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रही है तो आप डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन ले सकते हैं। फॉर दैट योर रैंक शुड बी समवेयर अंडर 16,000 ऑल इंडिया रैंक। जनरल कैटेगरी वालों की जो कॉलेजेस मिलेंगी 16,000 रैंक के आसपास जितने स्टूडेंट्स रहते हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगी जिनकी फीस 1,25,000 रुपीज रहेगी इंक्लूडिंग हॉस्टल। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंकिंग अंडर 6,500 है या आई हुई है तो आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगी, मिलने के चांसेस हैं। सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 13,500 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सिमिलरली अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग 19,500 ऑल इंडिया रैंक के अंडर आती है देन आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलने के चांसेस है। इसका रीजन ये है कि एससी कैटेगरी के जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन की सीट्स मिली है वो बहुत ही कम कॉलेजेस में है, और वो है भी तो वो दिल्ली के कॉलेजेस में है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में है एंड दैट इज़ वाई दिल्ली में स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस है, स्टाइपेंड ज़्यादा मिलती है, बॉन्ड वगैरह नहीं रहती एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं दिल्ली जाना, और इस वजह से
एससी कैटेगरी में भी रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो है वो 19,500 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा जाने मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इस साल जब सीट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली कुछ और सीटें जो है वो कैटेगरी वाइज भी आएंगी और जनरल कैटेगरी के लिए भी आएंगी, तब ये जो रैंकिंग है इसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी काउंसलिंग में। सिमिलरली अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन लेनी है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल सकती है अगर आपकी रैंकिंग अंडर 43,000 ऑल इंडिया रैंक है। सिमिलरली आप जब डीएनबी की बात हो गई तो एनबीईएमएस डिप्लोमा की बात करते हैं जिससे हम डीएनबी डिप्लोमा भी कहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 35,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एनबीईएमएस डिप्लोमा की मिल सकती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 34,000 है तो आपको डिप्लोमा रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल सकती है टीबी एंड चेस्ट। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 37,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिप्लोमा मिल सकती है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 54,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको डिप्लोमा रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिप्लोमा टीबी चेस्ट मिल सकती है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 95,000 96,000 रैंक भी अगर आपकी है तो भी वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको डिप्लोमा रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल जाए। अब एनबीएमएस डिप्लोमा की बात हो गई, अब आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जो लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, किस रैंक तक किस फीस में रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल सकती है। सबसे पहले वो दो स्टेट्स जो अंडर 12 लाख फी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर है वो 8,64,000 रुपीज़ पर एनएम है, हालांकि वहाँ पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिसमें जिसके तहत इस फीस को बढ़ा करके अप टू 15 लाख की जाती है, बट स्टिल ये कोर्ट केस जो है वो पिछले 3-4 सालों से चल रही है, अभी तक कुछ इस पे जो है निर्णय वो निकल कर नहीं आया है। सो अभी फिलहाल जो ऑफिशियल फीस है वो 8,64,000 पर एनएम है आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश में अगर आपको एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन चाहिए तो आपकी रैंकिंग कहीं ना कहीं अंडर 24,000 ऑल इंडिया रैंक तक होनी चाहिए, सो दैट कि अंडर 24,000 ऑल इंडिया रैंक रहती है तो आपको 8,64,000 पर एनएम फीस में आंध्र प्रदेश में एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग अंडर 35,000 ऑल इंडिया रैंक है देन देर आर गुड चांसेस कि आपको कर्नाटका में अप टू 12 लाख पर एनएम फी स्ट्रक्चर में एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल जाएगी। सिमिलरली फीस को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं और वैसे स्टूडेंट्स जो अप टू 20 लाख पर एनएम अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए जो स्टेट्स आते हैं वो है तेलंगाना हरियाणा तमिलनाडु और डीम्ड, कुछ कॉलेजेस डीम्ड के भी आते हैं। सो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की फीस स्ट्रक्चर 16,70,000 पर एनएम की है। अगर आप एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन तेलंगाना में लेना चाहते हैं बी कैट सीट प्राइवेट सीट तो आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अंडर 31,000 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए। सिमिलरली हरियाणा में एक कॉलेज है आदेश जिसमें 14 लाख की फीस स्ट्रक्चर है पर एनएम, उस कॉलेज में अगर आप एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आपकी रैंकिंग कहीं ना कहीं अंडर 36,000 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप तमिलनाडु स्टेट में लेना चाहते हैं क्योंकि तमिलनाडु की जो फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट की वो 14 लाख पर एनएम है तो आपकी रैंकिंग कहीं ना कहीं 14,000 to 15,000 के अंदर होनी चाहिए। रीजन ये है कि तमिलनाडु के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ एक ही कॉलेज में रेस्पिरेटरी मेडिसिन है वो भी पीएसजी में, पीएसजी कोयम्बटूर जो जो वहाँ की टॉप की कॉलेज है, तो वहाँ पे एक ही कॉलेज है जिसमें मैनेजमेंट सीट है रेस्पिरेटरी मेडिसिन की। हालांकि इस साल चांसेस हैं कि और भी कॉलेजेस में आ सकती है एंड दैट इज वाई जो एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की कट ऑफ है वो इतनी हाई जाती है अंडर 14,000 तक पीएचडी वहाँ के टॉप की कॉलेज है वो ओवर हो जाती है। सिमिलरली डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो अंडर 20 लाख फी स्ट्रक्चर में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज आते हैं, उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपको अंडर 20 लाख फी स्ट्रक्चर वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन चाहिए तो आपकी रैंकिंग ऑल इंडिया रैंकिंग कहीं ना कहीं अंडर 32,000 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए तब जाकर के आपको अंडर 20 लाख फीस स्ट्रक्चर में डीम्ड मिल जाएगी। सिमिलरली आप फीस को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और बस ये अब उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी जो अप टू 30 लाख फी स्ट्रक्चर पर एनम फी स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकते हैं। अप टू 30 लाख पर एनम फी स्ट्रक्चर में जो स्टेट्स आती है वो है यूपी जहाँ पे फीस 21 से 32 लाख
रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए वेरी करती है। उत्तराखंड जहाँ पे फीस 19 लाख एंड 22 लाख की फीस स्ट्रक्चर है। वेस्ट बंगाल जहाँ पे फीस 25 लाख एंड 27 लाख की है। पौंडीचेरी जहाँ पे फीस 23 लाख की है। ये जो स्टेट्स हैं इनकी फीस जो है इसे आप कह सकते हो कि अंडर 30 लाख फीस स्ट्रक्चर की फीस है। तो अगर आप यूपी स्टेट में लेना चाहते हो जहाँ पे फीस 21 लाख 22 लाख 24 लाख या मैक्सिमम अगर देखें तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन की फीस 32 लाख पर एनम तक है, वहां पे आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन अंडर 75,000 टू 80,000 भी मिल सकती है। दैट मीन्स कि अगर आपकी रैंकिंग 70,000 75,000 या 80,000 के आसपास है तो आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन यूपी में मिल सकती है अप टू 32 लैक्स पर एनम में। ये जो कॉलेजेस हैं वो उनकी फीस मैक्सिमम कॉलेजेस की फीस 21 लाख एंड 24 लाख है, उसमें भी मिल सकती है। बट जो सबसे ज्यादा फीस है वो 32 लैक्स पर एनम की है, उसमें आपको मिलने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। सिमिलरली अगर आप उत्तराखंड स्टेट में रेस्पिरेटरी मेडिसिन लेना चाहते हो जहाँ की फीस अप टू 22 लाख पर एनम है तो आपकी रैंकिंग अंडर 38,000 ऑल इंडिया रैंक के अंडर होनी चाहिए, तब जाकर के आपको उत्तराखंड में हिमालयन जॉली ग्रांट में रेस्पिरेटरी मेडिसिन की सीट है वो आपको मिल सकती है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो फीस है वो 27 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। बट अगर आपकी रैंकिंग अंडर 57,000 ऑल इंडिया रैंक है, मतलब 57,000 के अंदर है, तो आपको 27 लाख पर एनम फीस में वेस्ट बंगाल में एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल जाएगी। सिमिलरली पौंडीचेरी जिसकी फीस 23 लाख रुपीज है, इस स्टेट में अगर आपकी रैंकिंग अप टू 70,000 भी है, दैट इज अगर आपकी रैंकिंग 70,000 के अंडर है तो आपको 23 लाख की फीस स्ट्रक्चर में पौंडीचेरी में एमडी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल जाएगी। बिहार भी एक स्टेट है जिसमें रेस्पिरेटरी मेडिसिन जहाँ पे फीस कम है सस्ती है, बट रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अभी सीट्स नहीं है। देर आर गुड चांसेस कि इस बार रेस्पिरेटरी मेडिसिन की सीट्स बिहार में भी आएंगी। अब कुछ वैसे डीम्ड की बात कर लेते हैं जिनकी फीस रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए अंडर 30 लैक्स 20 टू 30 लैक्स के बीच में है। वैसे डीम्ड अगर आप डीम्ड लेना चाहते हो जैसे कि महाराष्ट्र या कर्नाटक या फिर तमिलनाडु के डीम्ड हैं, वैसे डीम्ड में अगर आप लेना चाहते हो तो अंडर 30 लैक्स पर एनम फीस वाले जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उसमें अगर आपकी रैंकिंग 45 टू 50,000 भी है, दैट इज अंडर 45,000 या अंडर 50,000 है, तो देर आर गुड चांसेस कि आपको अंडर 30 लैक पर एनम फीस स्ट्रक्चर वाली रेस्पिरेटरी मेडिसिन के कॉलेजेस डीम्ड में मिल सकती है। अब उन स्टेट्स की बात करते हैं जिनकी फीस जो है वो अप टू 50 लैक्स है, दैट इज 40 टू 50 वेरी करती है। हमने 30 तक की बात की थी, 30 से 40 के बीच में ज्यादा कुछ ऑप्शंस हैं नहीं। सो अप टू 50 लैक्स वाली अगर कॉलेजेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले राजस्थान आती है जहाँ पे रेस्पिरेटरी मेडिसिन की फीस 45 टू 50 लैक्स पर एनम वेरी करती है। राजस्थान में अगर आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिली है लेनी है तो आपको 1 लाख 1,10,000 या 1,20,000 रैंक भी है ऑल इंडिया रैंक भी है तो आपको 45 टू 50 लैक्स पर एनम फीस में रेस्पिरेटरी मेडिसिन राजस्थान में मिल सकती है। सिमिलरली कर्नाटका में भी जो फीस है वो 45 50 लैक्स की फीस स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल सकती है अगर आपकी रैंकिंग 1 लाख तक भी है तो। सो 1 लाख तक भी अगर आपकी रैंकिंग है और आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन चाहिए तो आपको कर्नाटका में मिल सकती है जहाँ की फीस 45 टू 50 लैक्स पर एनम है। नाउ वॉट अबाउट ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनकी जो अभी क्वालिफाई जस्ट क्वालिफाई है या फिर जो अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को अगर रेस्पिरेटरी मेडिसिन लेने हैं तो उनके चांसेस एक तो राजस्थान में बनती है जहाँ पे 45 टू 50 लैक्स की पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, दूसरी कर्नाटका की अदर्स कोटा सीट्स में बनती है जहाँ वहाँ पे भी 45 50 लैक्स पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, तीसरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो महंगी फीस स्ट्रक्चर है 40 45 50 लैक्स वाली फीस स्ट्रक्चर वहां पे आपको मिल सकती है, चौथी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो एनआरआई कोटा सीट्स है वहां पे आपको मिल सकती है, और पांचवी बिहार पे आपको नजर रखना है कि बिहार में अगर रेस्पिरेटरी मेडिसिन की सीट इस बार आती है तो अगर वो एनआरआई के अंडर भी आती है तो आपको मिलने के चांसेस हैं, और अगर नॉर्मल भी आते हैं तो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। सो ये सभी जगह आप सभी स्टूडेंट्स को एक नजर बना करके रखनी होगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपको मिल सकती है। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही। एज आई टोल्ड यू कि अगर आपकी डिजायरेबल ब्रांच मेडिसिन रेडियो डर्मा पीडिया है तो प्रीवियस वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे।
एट द सेम टाइम आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट करके रजिस्ट्रेशन करके आप कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज कर सकते हो। एक बार आप कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करते हो तो उस कॉलेज प्रिडिक्टर में आपसे कुछ आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपकी रैंक पूछी जाएगी, आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो वो पूछी जाएगी, आपकी बजट क्या है, कितना फीस आप स्पेंड करना चाहते हो, कितना खर्च करना चाहते हो, बजट क्या है, वो बजट पूछी जाएगी और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारे कॉलेजेस आपको बताएगी जिन कॉलेजेस में आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल सकती है या फिर अदर ब्रांचेस, जो भी ब्रांचेस आपको लेने वो आपको मिल सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो यू नो आपको करना क्या है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, यू कैन जस्ट डायल दैट नंबर एंड यू कैन जस्ट इंक्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।